बैक टू माय चैनल बम्पाड़ एजुकेशन एंड हियर वी आर डूइंग थिंक ग्रीन अ बुक ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज ईवीएस फॉर क्लास टू एंड वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 17 वेदर एंड सीजंस, मतलब मौसम और ऋतुएं। ठीक है, अलग अलग ऋतु आती है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या, हमें इससे पढ़कर क्या चीज मिलेगी, क्या प्राप्त होगी, पढ़कर हमें क्या चीज इसकी उपलब्धि होगी, ठीक है, क्या उद्देश्य है इसका, क्या सीखेंगे हम। चिल्ड्रन मस्ट अंडरस्टैंड, बच्चे क्या समझेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर, अलग अलग प्रकार का मौसम, डिफरेंट सीजन्स, अलग अलग प्रकार की ऋतुएं। द स्टेट ऑफ एटमोस्फियर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस इज कॉल्ड द वेदर, किसी एक जगह का, ठीक है, एक जैसा वातावरण एक समय में, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वहां का मौसम कहलाता है। वो कोई भी जगह हो सकती है, ठीक है। द वेदर मे बी हॉट, मौसम कैसा, गर्म हो सकता है, कोल्ड, ठंडा, विंडी, बहुत हवा चल रही हो, क्लाउडी, बादल लगे हो, और रेनी, बारिश हो रही हो। दीज चेंजेस आर कॉज्ड बाय द सन, विंड, क्लाउड एंड रेन। ये किसकी वजह से ये बदलाव आते हैं, किसके होते हैं ये कॉज्ड, मतलब किसके द्वारा, कारण क्या है इसका, कारण है सूरज, हवाएं, बादल और बारिश, ठीक है। When one type of weather remains the same for many days, we call it season. जब एक ही तरीके का मौसम कई दिनों तक रहे तो हम उसको क्या कहते हैं, ऋतु, ठीक है। When one type of weather, एक ही तरीके का मौसम कई समय तक रहे, same for many days, एक जैसा रहे, we call it, हम उसको season, ऋतु कहते हैं। In our country, there are 5 seasons in a year. हमारे देश में 5 तरह की ऋतुएं होती हैं एक साल में, namely जिनका नाम है summer, summer मतलब गर्मी का, ठीक है, रेनी बारिश वर्षा ऋतु, और विंटर सर्दियों का, स्प्रिंग बसंत एंड ऑटम पतझड़। स्प्रिंग सीजन बसंत ऋतु, ये दिखार का लड़की, चिड़िया चहक रही है, फूल खिले हैं, बहुत अच्छा लगता है। द वेदर इन दिस सीजन इज वेरी प्लीजेंट, नेदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, इस समय मौसम बहुत ही सुहाना होता है, प्लेजेंट और सुहाना, उसमें ना ज्यादा गर्मी होती ना ज्यादा ठंडा होता है। प्लांट्स बियर न्यू लीव्स, फ्रेश ग्रास एंड फ्लावर्स, जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, नई पत्तियां धारण करते हैं, नई घास उगती है, फ्रेश ग्रास और फ्लावर्स, नए फूल खिलते हैं। इट ब्रिंग्स न्यू लाइफ टू आवर अर्थ आफ्टर कोल्ड विंटर, ये हमारी पृथ्वी पे, हमारे अर्थ पर, जो धरती है हमारी, उस पर क्या नया जीवन लाते हैं, कब, सर्द ऋतु के बाद, सर्दी के बाद, कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडे के बाद। स्प्रिंग इज आल्सो कॉल्ड बसंत, स्प्रिंग क्या है, बसंत भी कहलाता है। वी सेलिब्रेट द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग विद द फेस्टिवल ऑफ कलर होली, हम जो ये स्प्रिंग बसंत आने कब करते हैं, जब फेस्टिवल होली, जब होली का त्यौहार होता है, जैसे कि अभी आने वाली 18 मार्च को, तो उस समय क्या होगा, बसंत ऋतु होगी, समर सीजन, गर्मी का, ठीक है, गर्म का ऋतु। समर सीजन कम्स आफ्टर द स्प्रिंग, समर सीजन कब आता है, बसंत ऋतु के बाद, जो गर्मी का मौसम होता है, गर्मी का ऋतु होती है। द सन शाइंस वेरी ब्राइट एंड हॉट, ये बहुत चमकीला सूरज चमकता है और बहुत गर्म होता है। इन द समर सीजन डेज आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट, तो गर्मियों में क्या होता है, गर्मी ऋतु में क्या होता है, मौसम, दिन लंबे होते हैं और रात छोटी होती है। फार्मर्स हार्वेस्ट दियर क्रॉप्स, ये अपनी जो किसान है वो अपनी क्रॉप्स को, फसलों को काटते हैं, ठीक है। इन दिस सीजन वी प्रिफेयर टू वियर कॉटन क्लोथ, इस सीजन में, इस ऋतु में हम क्या कहते हैं, कॉटन मतलब कपास के सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं। वी लव टू ईट आइसक्रीम्स एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ कोल्ड जूस, इसमें हम क्या करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और बहुत ज्यादा ठंडे ठंडे पेय पदार्थ पीते हैं। नाउ रेनी सीजन, दिखार का लड़की देखो, छाता और रेनकोट के साथ है इधर पर। मॉनसून ब्रिंग्स पीपल फेवरेट सीजन द रेनी सीजन, मॉनसून, जो मॉनसून होते हैं वो लोगों का फेवरेट पसंदीदा मौसम, वो कौन सा है, ऋतु लेकर आते हैं, कौन सा, रेनी, वर्षा ऋतु। द वेदर बिकम्स क्लाउडी, जो वेदर होता है, मौसम होता है, वो क्या हो जाता है, बहुत ही क्लाउडी, बादल लगे हुए होते हैं। पीपल कैरी आर रेनकोट, लोग अपने तक रेनकोट, बरसाती और अम्ब्रेला, छाता लेकर चलते हैं एक्स्ट्रा, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम, ताकि अपने को बारिश से बचा सके। समटाइम्स इफ देयर इज हैवी रेन इन एनी एरिया देन देयर आर चांसेस ऑफ फ्लड, अगर इस समय कहीं पर बहुत तेज बारिश हो रही है और बहुत ज्यादा हो रही है, तो क्या, फ्लड मतलब बाढ़ आने का खतरा रहता है। वी मे सी आर रेनबो आफ्टर सावर, अगर जब बारिश होती है उसके बाद हमें आकाश में अगर रेनबो, रेनबो मतलब इंद्रधनु, जिसमें 7 होते हैं ना कलर, वो दिखाई देता है। ऑटम सीजन, अभी पतझड़ का, दिस सीजन कम आफ्टर द मॉनसून सीजन, मॉनसून सीजन के बाद, जब बारिश के बाद, जो बारिश वर्षा ऋतु है, मॉनसून सीजन के बाद क्या आता है, ऑटम पतझड़। द लीव्स ऑफ बिकम ड्राई एंड चेंज टू येलो, गोल्डन, ऑरेंज, रेड और ब्राउन कलर, जो पेड़ की पत्तियां होती है सूख जाती हैं, उनका कलर पीले से सुनहरा, नारंगी, लाल और भूरा हो जाता है।
सम ट्रीज सेड ऑल लीव्स, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें सारी पत्तियां नीचे गिर जाती है, सेड ऑल मतलब गिर जाती। विंटर सीजन सर्द ऋतु, विंटर कम्स आफ्टर ऑटम, ऑटम के बाद क्या होता है सर्दी की ऋतु आती है। वी फील वेरी कोल्ड इन दिस सीजन, इस समय हमें बहुत ठंडा लगता है इस ऋतु में। डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्ग, दिन क्या होते हैं छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। पीपल वियर वुलन क्लोथ एंड यूज ब्लैंकेट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, लोग क्या करते हैं इस समय ऊनी कपड़े पहनते हैं और रात को कंबलों का उपयोग करते हैं अपने को ठंड से बचाए, प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम अपने को ठंड से बचाए। मॉर्निंग बिकम फॉगी, और जो सुबह होती है कोहरा लगा, फॉगी होता है कोहरा लगना, ठीक है। इन सम पार्ट्स इट स्नोज ड्यूरिंग, और कुछ जगह पे हमारे देश में विंटर में सर्दियों में क्या होता है बर्फ गिरती है। तो ये इधर पूरा ट्राई दी, व्हाट इज अ सीजन, सीजन व्हेन वन टाइप ऑफ क्लाइमेट, जब एक ही तरीका वेदर रिमेंस मैनी डेज, बहुत समय तक रहता है तो इसको हम सीजन कहते हैं। यहां से आप देख के बच्चे को लिखा सकते हैं। फिर क्या है, डिड यू नो, क्या आप जानते हो इन इंडिया दिसंबर 28th लॉन्गेस्ट नाइट, जो 21 दिसंबर की रात होती है वो सबसे लंबी होती है, एंड द शॉर्टेस्ट और सबसे छोटा दिन होता है। एंड जून 25th इज द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट, और जून 21 का दिन सबसे लंबा होता है और सबसे छोटी रात होती है, तो ये याद करने वाला है, ठीक है। नाउ रेनबो, इंद्रधनुष क्या हो सकता है, क्या होता है, अ रेनबो इज अ कर्व्ड आर्क ऑफ लाइट ऑफ 7, ये एक बिल्कुल घूमी हुई मुड़ी हुई आर्क ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन है, ठीक है, रंगों का जो दिखना, सात रंग के कलर हमारे अक्रॉस द स्काई आसमान पे। अ रेनबो इज कॉल्ड बाय द सन्स रेज शाइनिंग थ्रू द ड्रॉप्स ऑफ ड्यूरिंग और आफ्टर रेन, तो इसमें रेनबो किससे बन जाए, सूरज की रोशनी पड़ती है किसमें, वाटर की, बारिश की बूंदों में जो बादलों में होती है, ठीक है, ड्यूरिंग जब बारिश हो रही होती है या उसके बाद, तो उससे क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन फैलता है, या उससे हमें ये अलग अलग वी आई वायलेट इंडिगो ऑरेंज, ठीक है, वी आई बी जी ब्लू ग्रीन रेड ऑरेंज, ठीक है, बी जी वाई ओ आर येलो ऑरेंज रेड, इतने कलर होते हैं। ट्राई दिस, विच इज द हॉटेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, कौन सा होता है सबसे गर्म, समर का, ठीक है। अभी क्या याद करना है आपने, वेदर चेंजेस एवरी डे, हर दिन मौसम बदलता है। व्हेन द वेदर रिमेन द सेम फॉर इट इज कॉल्ड सीजन, जब एक ही तरीका कई दिनों तक रहता है तो ये कहलाता है ऋतु। स्प्रिंग इज अ प्लीजेंट सीजन, बसंत बहुत ही सुनहरा बता सुहावना मौसम होता है। द डेज आर ब्राइट एंड हॉट इन द समर, दिन बहुत चमकीले और बहुत गर्म होते हैं गर्मी में। द ट्री सेड ड्यूरिंग ऑटम, पतझड़ में पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं। इट इज कोल्ड एंड फॉगी, विंटर सीजन में क्या होता है कोहरा लगा होता है, बहुत ठंडा होता है। नाउ एक्सरसाइज फॉर यू, स्प्रिंग इज आल्सो नोन एज, क्या कहते हैं बसंत, हमने पढ़ा था बसंत जाना जाता है स्प्रिंग को। और रेनबो है 7 का, 7 कलर्स होते हैं, वी आई बी जी वाई ओ आर, आप इसको लिख सकते हैं पूरा, ठीक है। सम ट्री सेट दियर लीव्स इन ऑटम, ऑटम में पूरा पत्ते गिरा देता है। इन विंटर सीजन वी सी फॉग, सर्दियों में हमें कोहरा दिखाई देता है। नाउ एप्रोप्रिएट सीजन का इधर पे डालना, वी कैरी एन अम्ब्रेला इन द रेनी सीजन, में अम्ब्रेला लेकर चलते हैं। वी ईट मैंगोज इन द समर, गर्मियों में हमें आम खाने को मिलते हैं। वी सी मैनी कलरफुल फ्लावर इन गार्डन इन द स्प्रिंग, बसंत ऋतु में बहुत सारे फूल हमें गार्डन में दिखा बगीचे में दिखाई देते हैं। वी आर अलाउड टू प्ले आउटसाइड इन द विंटर सीजन, कब, जब दोपहर में, हम सर्दियों में दोपहर में भी हम खेलते हैं बाहर, ठीक है, रात नहीं तो जल्दी गिर हो जाती है। वी फाइंड हीप्स ऑफ ड्राई लीव्स ऑन द इन द ऑटम, से पतझड़ में हमें पत्ते दिखाई दे। मैच द फॉलोइंग, जनवरी का सीजन क्या है विंटर सर्दी का, मार्च का क्या है स्प्रिंग बसंत, मई का क्या है समर गर्मी का, ठीक है, जुलाई का क्या है मॉनसून बारिश का, अक्टूबर का क्या ऑटम जब पत्ते गिरते हैं। अब आंसर क्वेश्चन एंड आंसर है, व्हाट डू यू यूजली डू इन द विंटर, विंटर में आप क्या करते हो, गर्म, वी वियर वुलन क्लोथ, ठीक है, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम, क्या होता है कोल्ड से बचने के लिए हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। डू यू फील कंफर्टेबल इन हॉट वेदर, आप, यस वी फील कंफर्टेबल, क्या होता है हमें लेकिन प्यास ज्यादा लगती है और हम सूती कपड़े पहनते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू यूजली वियर व्हेन इट इज रेनिंग, में क्या जब होता है क्या करते हैं, वी वियर रेन कोट और वी पुट अम्ब्रेला विद अस, हम अपने साथ अम्ब्रेला लेके चलते हैं, ठीक है। ये आप इधर कलर भर लीजिएगा और इधर पूछा लाइव व्हाट इज योर फेवरेट सीजन, में बता सकते हैं। तो ये आज के लिए काफी है, मैं आशा करता हूँ पेपर भी आने वाले हैं, बच्चे मेहनत करिए, अभी आपके पेपर हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, और इसी तरह पढ़ते रहिए। मेरा चैनल अगर पसंद आ रहा हो तो इसे सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।